press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज मेरे पास है ऑनर का 7 है जिसका मॉडल नंबर है AUMAL20 और इसमें लगा हुआ है गूगल लॉक यानी कि FRP। तो आज हम जानेंगे कि इसे कैसे अनलॉक करेंगे यानी गूगल अकाउंट को बाईपास करेंगे, वो भी चुटकी में। तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको आगे चल के दिखा देते हैं कि इसमें क्या लगा हुआ है या ना लगा हुआ है। तो हम चलिए स्टार्ट किए और आगे प्रोसीड कर रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत छोटा वीडियो है और वीडियो को थोड़ा सा स्किप ना कीजिएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जब हम इसमें सिम नहीं लगाए हुए हैं और हम हार्ड रीसेट करने के बाद इसमें FRP लगा हुआ है तो हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वे यू कैन रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग में द प्रोसेस। यहाँ पे ये बोल रहा है कि वाईफाई से कनेक्ट करके और ईमेल आईडी लॉगिन करना होगा जो आपका पहले वाला था। तो हम यहाँ पे एक वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे गूगल अकाउंट आइडेंटिटी करने के लिए बोल रहा है, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, या फिर वो सिम से हो या फिर वाईफाई से। तो हम यहाँ पे एक वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। एंड देन नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा वर्क है, छोटा सा, बस उसी स्टेप को फॉलो कर। जैसे यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिया जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट करने के लिए ऑप्शन है, यहाँ से एक बार बैक बटन क्लिक कर देना है। बैक बटन क्लिक करने के बाद आपको फिर से आगे बढ़ना है, एग्री करना है और सेट अप ए न्यू फोन पे क्लिक करके यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा, यहाँ पे नीचे में अकाउंट लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको फिर से सबसे नीचे पे क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी एक वर्ड सेलेक्ट करके उस पर टैप करके थोड़ा देर छोड़ देना है और यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आएगा उस पर टैप कर देना। अब हम जीमेल पे थोड़ा देर प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, इसमें नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे नीचे मोर सेटिंग है उस पर क्लिक कर देना है। एंड देन जनरल सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे ऊपर में 3 डॉट पे क्लिक करके मैनेज अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अकाउंट लिखा हो उस पर टाइप कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग खुल गया। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ना ही कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल ना कुछ भी। यहाँ पे आपको जाना है अबाउट फोन में, रीसेट में और रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीसेट ऑल सेटिंग कर देंगे आपका फ़ोन रीसेट हो चुका है यानी रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे एक बार रीसेट हो जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको रीस्टार्ट करना है। अपने फ़ोन को सिंपली रीस्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर से ऑन होगा। थोड़ा सा स्टेप फॉलो करना है जो हम बता रहे हैं। दोस्तों मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई है आप सबके लिए कि आपका हेल्प हो सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपका फ़ोन का FRP लॉक रिमूव हो गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। लाइक करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है फ्रेंड्स, तो लाइक करके मोटिवेट करें ताकि हम ऐसे वीडियो हमेशा बनाते रहें और आपका हेल्प हो। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, आपका लॉक रिमूव हुआ या नहीं हुआ, आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। इससे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है मुझे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं आगे फ़ोन ऑन करके। देखिए दोस्तों ये फ़ोन ऑन हो चुका है, ना ही कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ा, ना ही कोई गूगल आईडी और लॉगिन करना पड़ा, ना ही कोई हुआवे आईडी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन ऑन हो चुका है सक्सेसफुली। तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और एक लाइक कर देना फ्रेंड्स, क्या जाता है लाइक करने में। ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिएगा।